इलामा इकबाल के बारे में गुफ्तगू करूँगा। इलामा इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। आपने बच्चों और बड़ों के लिए बहुत सी नज़में लिखी। इलामा इकबाल ने मुसलमानों के लिए अलग वतन के ख्वाब देखा। आपने 21 अप्रैल 1938 को वफात पाई। जब अल्लाह ताला किसी को अपना शान करता है तो इसे तोहफे में इकबाल जैसा फर्ज अदा करता है। इकबाल ने जुलम में जकड़े हुए मुसलमानों को एक नया ख्वाब दिया। और मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज जिस मौजू पर मुझे लब कुशाई करने का मौका मिला है उसका अनवान शायरी मशरिक इलामा मोहम्मद इकबाल हमारे कौमी शायर हैं। हर साल 9 नवंबर को पूरे पाकिस्तान में इलामा मोहम्मद इकबाल का यौमे पैदाइश मनाया जाता है। इलामा इकबाल ने अपनी शायरी से कौम को गफलत से जगाया। आपने मुसलमानों के लिए अलग वतन का ख्वाब देखा। आपने फरमाया अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर। हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम मेरे अजीज साथियों, आज मैं इलामा इकबाल के हवाले से चंद इशार पेश करता हूँ। गिरते हैं हम सजदों में अपनी हसरतों की खातिर इकबाल। अगर गिरते सिर्फ इश्क खुदा में तो कोई हसरत अधूरी ना रहती। सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क इम्तहान और भी हैं। तू शाहीन है, परवाज़ है, काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। खुदी को कर बुलंद इतना के हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। शुक्रिया। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन, लाइक, शेयर एंड कमेंट द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।